निम्रा कहाँ जा रही हो? यहां पर आकर अपनी मां की बातों का जवाब दो। बेटा मैंने तो ऐसे ही बात की थी, तुम तो शायद बुरा मान गए मेरी बात का। मानी आप पूछें इस कि रात गए किससे बातें करती है और इसको सेल फोन किसने लेकर दिया? क्या मतलब? ये तुम क्या कह रहे हो? मतलब ये कि ना तो मैं इसे रात गए बातें करता हूं और ना ही मैंने इसको सेल फोन लेकर दिया। आहिस्ता बोलो बेटा, आहिस्ता बोलो, गुस्सा नहीं करो। कमाल है मम्मी, इतना सब कुछ बताने के बाद अब मुझे कह रही है कि मैं गुस्सा ना करूं। बेटा कोई गलत फहमी हो गई होगी, बल्कि ऐसा ही हुआ होगा, मुझे कोई गलत फहमी हुई है, ये ऐसा नहीं कर सकती। मानिए उसने कुछ गलत किया हो या नहीं, मैं सिर्फ आपको इतना बता देना चाहता हूं कि वो मेरी इज्जत है और मैं अपनी इज्जत पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। खुदा हाफिज़। आप मेरी बात सुने। अब और क्या सुनाने को बाकी रह गया है? क्या सुनाओगी तुम मुझे? तुमने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा निम्रा। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, उसकी बातों में आई हुई है, उस पढ़े लिखे जाहिल की आपने बातें सुनी थी? मेरी सोच कोई मायने नहीं रखती अम्मी। तुम्हारी सोच का मुझे अंदाजा हो रहा है तुम्हारे अल्फाज सुनकर। सच सच बताओ मुझे, सच सच बताओ निम्रा मुझे कि कहां से आया है मोबाइल, किसने दिया है तुम्हें ये मोबाइल? बताओ मुझे, किससे सारी सारी रात फोन पे बात करती रहती हो तुम? जवाब दो मुझे, खामोश क्यों? अम्मी आप क्यों चाहती हैं कि मैं घुटघुट के जिंदगी गुजारूं, एक ऐसे शख्स से शादी करूं जो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, जो कभी भी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता, जो अपनी अम्मी की ख्वाहिश में मुझसे शादी करना चाहता है? मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार नहीं सकती क्या? इसमें क्या हर्ज है? तुम्हें जैसी जिंदगी जीनी है ना, उसका फैसला करने का अख्तियार मेरे पास है, जो कि मैं कर चुकी हूँ। अम्मी आप मुझ पर इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकती, मुझे वो पसंद नहीं है। आज तो ये बात बोल दी है तुमने, लेकिन आइंदा तुम्हारी जबान बंद रहे, समझी तुम? अम्मी आप तो मेरी माँ है ना, मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। आहिस्ता बोलो, इस कमरे से तुम्हारी बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए, वरना हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। अम्मी हुआ क्या है? हाँ जैसे तुम्हें तो मालूम ही नहीं है ना कि क्या हुआ है, तुम दोनों बहनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। कैसा धोखा अम्मी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मेरा भी यही ख्याल था, बड़ा मान था मुझे तुम दोनों पर। पसंद की शादी करना कोई गुनाह नहीं है। तो आ गई ना बात जबान पर। कौन है वो बताओ मुझे, कौन है वो, कहां मिली हो तुम उससे? काश तुम्हारे ये कदम उठाने से पहले मुझे मौत आ जाती। मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है, जो तुम्हें पढ़ने के लिए मैंने कॉलेज भेजा। अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतनी बेहया निकलोगी, तो तुम्हारे पैदा होते ही मैं तुम्हारा गला दबा देती। मंगनी तुम्हारी अदनान से हुई भी और ख्वाब तुम किसी और के देख रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, लानत है तुम पर। अम्मी आप उसे एक बार मिले तो फिर फैसला कीजिएगा ना। बस कर दो निम्रा, अम्मी की हालत देख रही हूँ फिर भी बोले चली जा रही हूँ। अम्मी आप परेशान हो, मैं समझाती हूँ इसे, बस बेवकूफी करिए, सब ठीक हो जाएगा। आज के बाद तुम घर से कदम बाहर नहीं निकालोगी, समझ गई? तो मोबाइल दो मुझे, जो इस फसाद की जड़ है, जल्दी दो। वो आपको नहीं मिल सकता। कैसे नहीं मिल सकता? अक्सर ढूंढो उसे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कब से बेल पर बेल हो रही है? वो मैं सो रहा था अम्मी। सो रहे थे? अरे ये कोई टाइम है सोने का? तुम पढ़ाई में दिल लगाओ, समझे? अम्मी मैं तो पहले ही बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ
और कितना दिल लगाऊं। वैसे अच्छा हुआ कि आपने मुझे कॉल कर ली, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ मुझे पता है। क्या जरूरी बात है? पैसे चाहिए? नहीं अम्मी मैं तो। अच्छा चलो खुदा हाफिज। मैं फोन बंद कर रही हूँ और तुम सो नहीं जाना, पढ़ो बैठ के। अम्मी मेरी बात तो सुने यार। क्या बात है, कई दिनों से तुम्हारी दोस्त तुमसे मिलने नहीं आई। काफी दिन हो गए। तुम दोनों में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं मामा ऐसी कोई बात नहीं है, झगड़ा तो नहीं हुआ। पता नहीं निम्रा को क्या हो गया आजकल, बहुत चुप चुप सी रहती है। तुमने पूछा नहीं उससे? मामा मुझे तो लग रहा है निम्रा फरहाद का ना सीन ऑन हो गया। व्हाट, ये क्या कह रही हो तुम? तुमने तो कहा था कि उसकी बात उसके कजन से तय है। हाँ वो तो है मामा, बल्कि उसके घर वाले उसकी शादी की डेट फिक्स करने के चक्कर में। लेकिन निम्रा मैडम वो तो किसी और ही चक्कर में। वैसे मामा कितनी मासूम बनती थी ना, जैसे उस जैसी नेक तो कोई है ही नहीं दुनिया में। फरहाद ने थोड़ी सी लिफ्ट क्या करा दी, वो मैडम तो जज्बाती ही हो गई। मेरी बात सुनो, इस सारे सिलसिले में तुम्हारा तो कोई हाथ नहीं है? क्या हो गया मामा, वो दोनों कोई बच्चे नहीं है कि मैं जो कहूंगी वो वही करेंगे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आने दो फरहाद को, उसके तो मैं कान खींचूंगी। मेरे घर में रहकर उसने ये चक्कर चलाया और भूल गया अपनी माँ के गुस्से को। अगर उन्हें पता चल गया कि ये ड्रामा मेरे घर से शुरू हुआ है तो मुझे बख्शेंगी नहीं, पूरे खानदान में जलील कर देंगी मुझे, और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। ओहो मामा डोंट वरी, हम खामा खा इतना स्ट्रेस ले रही हैं। निम्रा ना अपने घर वालों से बहुत डरती है, खास करके अपने भाई से। उसने ये दोस्ती जस्ट फॉर अ चेंज की होगी। और वैसे ही मैंने आपको बताया उसकी शादी की तो डेट फिक्स हो रही है। मुझे तो इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि वो दोनों मिलकर मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तौबा तौबा, देखो जरा उस लड़की को, जितनी जमीन के ऊपर नजर आती है ना उतनी जमीन के अंदर है। मेरी बात कान खुलकर सुन लो, दूर रहो उससे। ओ मामा मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, क्या सही है क्या गलत मुझे सब पता है। जी अम्मी बुला रही थी आप? हाँ बेटा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। करें बात? वो यही बात करनी होगी ना कि घर के अखराजात बढ़ गए हैं, आपको पैसे चाहिए। आंटी प्लीज, साद इस वक्त बहुत रिलैक्स है, आप इन्हें कोई टेंशन मत दीजिए, जो भी बात करनी है आप कल कीजिएगा। अकेला मैं बात कर रहा हूँ ना। जी बोले अम्मी क्या बात है? बेटा मैं चाह रही थी कि निम्रा और अदनान की शादी जल्द से जल्द हो जाए, तुम पप्पू से बात करके जरा जल्दी की तारीख ले लो। अम्मी पप्पू तो खुद जल्दी में और हमें भी जल्दी है, अब इससे ज्यादा जल्दी क्या कर सकते हैं। वैसे हैरत है क्या हो गया आप दोनों को, इससे पहले तो फुप्पो शादी के लिए इसरार कर रही थी, अब आप दोनों जल्दी कर रहे हैं। क्या बात है मियां, आप परेशान लग रही हैं, कोई बात है? नहीं नहीं बेटा मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, बस जितनी जल्दी हो लड़कियों को अपने घर का हो जाना चाहिए। बस यही बात है। बात? हाँ बेटा बस यही बात है, बस मैं थक गई हूँ जिम्मेदारियां उठाते उठाते। किस बात की थकन आंटी, इस घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ तो साथ ने अपने कंधों पे उठाया हुआ है। आखिर जो भी मसला है आप सच सच क्यों नहीं बता देती, क्यों छुपा रही हैं आप साथ से? हिले कैसे बात कर रही हो तुम? लो भला मैंने ऐसा क्या कह दिया, सिर्फ इतना ही कहा है ना कि अगर आंटी को कोई परेशानी है तो हमसे शेयर करें। अच्छा जाओ पानी लेके आओ मेरे लिए, प्यास लगी। ला रही हूँ। हम यहाँ परेशान हो, आप जैसा कह रही वैसे मैं बात करता हूँ पप्पू से। अच्छा हुआ सेलफोन की वजह से अम्मी के सामने अदनान की सारी बातें खुल गई, सब कब तक ये राज रह सकता था, एक ना एक दिन तो पता चलना ही था ना। अब मैं अदनान से मर के भी शादी नहीं करूँगी। तुमने अम्मी को बताते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि उनके दिल पर क्या गुजरेगी? हाँ तो जो मेरे दिल पे गुजरती है अदनान साहब की वजह से उसका किसी को एहसास है? उस गैर मर्द की मोहब्बत में पागल होकर सब कुछ भूल रही हो, अम्मी की मोहब्बत उनका प्यार उनकी शफकत कुछ भी याद नहीं है तुम्हें, वो लगता क्या तुम्हारा? हाँ ठीक है कुछ नहीं लगता मेरा, लेकिन फिर भी उसको मेरी फीलिंग्स का एहसास है, मेरे लिए कुछ भी कर सकता है वो। उसे तुम्हारी नहीं अपनी फीलिंग्स का ख्याल है, वो तुमसे बातें करके सिर्फ अपना टाइम पास कर रहा है, आजकल लड़के लड़कियों के साथ यही करते हैं। अक्सा प्लीज मैं फरहाद के बारे में कुछ नहीं सुन सकती हूँ, प्लीज
तुम्हें सुनना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हें इस तरह खाई में गिरते हुए नहीं देख सकती। नहीं चाहिए मुझे ऐसे बहन भाई जो सिर्फ अपनी झूठी इज्जत की खातिर मेरी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। जो अदनान जैसे खुश्क इंसान के साथ मेरी शादी करा रहे हैं, जिसने रिश्ता किया है तो सिर्फ अपनी माँ की वजह से। जिंदगी एक बार मिलती है जिसको मैं जाया नहीं करने वाली। और जिसकी मोहब्बत में तुम मरे जा रही, हम सबकी इज्जत दांव पर लगाने पर तुली, वो तुम्हारी खातिर सब छोड़ देगा? हाँ छोड़ देगा, मुझे पूरा यकीन है। ये सब कुछ तुम्हारी दोस्त अफशी के घर से शुरू हुआ, मुझे उसी से बात करनी पड़ी। खबरदार जो तुमने उससे बात की। मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए नहीं बताई हैं कि तुम मेरे रास्ते में दीवार बन के खड़ी हो जाओ। और वैसे भी अफशी और उसकी अम्मी को कुछ नहीं पता, फरहाद और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। फरहाद ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसके दिल में चोर है, कजन लगती है ना उसकी, वो जानता है कि अगर उन्हें खबर होगी तो पूरे खानदान में बात फैल जाएगी, इसीलिए वो नहीं चाहता किसी को पता चले। जब तुम उसको जानती नहीं हो तो क्यों उसके बारे में अंदाजे लगा रही हो? निमरा प्लीज ठंडे दिल से सोचो, हम लड़कियों पर बहुत जिम्मेदारी होती है, खानदान की इज्जत हमसे जुड़ी होती है, और तुम सब कुछ मिट्टी में मिलाने चली हो। बस कर दो ये तकरीरें, अगर तुम मेरी तरह एक जबरदस्ती के रिश्ते में जुड़ी होती ना तो तुम भी ऐसे ही करती। लेट जाओ, लैंप बंद कर देना। ये दूध तुम किसके लिए गर्म कर रही हो? अम्मी के लिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए सोच रही हूँ कि दूध के साथ नींद की दवा भी दे दूँ ताकि वो सो जाएं। चलो ठीक है, वैसे पप्पो पूछ रही थी उनको। मैं पप्पो को बता देती हूँ। चलो ठीक है, बता देना उन्हें। भाभी तुम कहाँ जा रही हो? वो पड़ोस में नायला है ना, उसके पास एक बुक नहीं है तो वो कह रही थी मैं उसके साथ चलूँ। मैं जाऊँ? हाँ ठीक है, पर सुनो जल्दी वापस आ जाना। जी ठीक है। सुनो अपनी माँ को बता दिया है नहीं? वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, वो सोने की कोशिश कर रही हैं, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। Come on यार, मूड तो ठीक करो, जो हुआ अच्छा हुआ। जो हुआ अच्छा हुआ? अदनान को मेरी अम्मी को हमारे बारे में पता चल गया, तुम कह रहे हो अच्छा हुआ? देखो ये सब कुछ तुम्हें खुद बताने में भी तो मुश्किल हो रही थी ना। अब देखना, अदनान इस रिश्ते से खुद ही इनकार कर देगा। अदनान बहुत ही अजीब और गरीब नेचर का है, होना तो यही चाहिए था कि रिश्ता खत्म कर देता, ताल्लुक खत्म कर देता, लेकिन उसने अपनी ईगो का मसला बना दिया। कह रहा है निमरा मेरी है और मेरी ही रहेगी। पढ़े लिखे जाहिल ऐसे ही होते हैं, सिद्दी और रिवेंजफुल। निमरा तुम अपनी मामा को कन्विंस करो, मुझे लग रहा है कि अदनान तुमसे शादी करके बदला लेने के मूड में। मम्मी कभी भी नहीं मानेंगे, उनके लिए अपनी जबान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी खुशी नहीं। धनी क्या होगा हमारा? एक बात कहूं, मोहब्बत करने वालों के रास्ते में बहुत कांटे होते हैं, लेकिन हाँ मंजिल भी बहुत खूबसूरत मिलती है। हम दोनों मिलकर इस कांटे भरे रास्ते को तय करेंगे और अपनी मंजिल को पा लेंगे। इमरा तुम शायद सोच भी नहीं सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, इसलिए तो हर कीमत हर सूरत में मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। तुमने अपनी अम्मी से बात की? उनकी फिक्र ना करो, अम्मी को मैं राजी कर लूंगा। अम्मी ने आज तक मेरी कोई बात नहीं डाली, लेकिन ये बात मैं उनसे फोन पे नहीं करना चाह रहा। मैं चाहता हूं कि उनके सामने बैठ के उनसे ये बात करूं, इसलिए बहुत जल्द मैं अपने शहर जा रहा हूं अम्मी से मिलने, ताकि अपनी और तुम्हारी बात कर सकूं। और जैसे ही अम्मी राजी हो जाएंगी, मैं और अम्मी खुद तुम्हारे घर आकर
तुम्हारी अम्मी और भाई को राजी करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा डर? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये सब बस जरा सी देर की परेशानी है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लो बेटा, लो ना, खाओ। हजरा, आज तुम तो बहुत सोई, सारा दिन मैं दीवारों से बातें करती रही। बस आपा, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, अक्सा ने नींद की गोली दे के सुला दिया। ऐसी क्या तबीयत खराब हो गई? आपा, बीमारी बता के तो नहीं आती। अदनान बेटा, खाओ ना। जी, ले रहा हूं। किन सोचों में गुम हो? ठीक से क्यों नहीं खा रहे? सब ठीक है? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। सोच रहा था कि आपको यहाँ पर काफी दिन हो चुके हैं, अब आपको घर चलना चाहिए। आपको पता है, जब मैं घर वापस आता हूँ ना ऑफिस से, तो मैं बहुत बोर होता हूँ। अदनान बेटा, अभी आपा की तबीयत इतनी बेहतर नहीं हुई कि अकेली रह सके। मम्मी, आप चल रही हैं ना? अदनान ठीक कह रहा है, असल में मेरे बगैर रहा नहीं है ना कभी, इसलिए अब मुझे चलना ही चाहिए। अक्सा बेटा। जी पोपो। बेटा, वो निमरा से कहो मेरा सामान पैक कर दे। जी। एक सेकंड। निमरा से कहने की क्या जरूरत है? मैं खाना खा चुका हूँ, मैं जाकर पैकिंग कर देता हूँ। कहाँ खाया तुमने? ऐसे कैसे तो रखा हुआ है? मुझे भूख नहीं। क्या हो गया इसको? क्यों चला गया उठ के? शायद तबीयत ठीक नहीं है, ऑफिस से थका हुआ भी आया। मेरा ख्याल है मुझे चलना ही चाहिए। अक्सा, तुम निमरा को बुला लो, वो साथ खाना खा ले। वो निमरा रोटी बनाकर अभी ऊपर चली गई है, आप फिक्र ना करें, हम दोनों बाद में खा लेंगे। ये पता नहीं निमरा का ध्यान आजकल कहाँ होता है, सालन में इतनी मिर्च डाल दी और ये रोटी एक कच्ची पकाई है। सारा काम तो तुम बच्चों से करवाती हो, आखिर तुम बड़ी भाभी हो, खुद भी हाथ हिला लिया करो। एक काम नहीं करती और हर काम में 100-100 खामियां निकालती, ये अच्छी आदत नहीं है अकेला। वैसे हद होती है हर धर्मी की भी, वहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और मैं उनसे झूठ बोल रही हूँ कि तुम किचन में हो। तो मत बोलो ना झूठ, जाकर कह दो कि मैं मूड में नहीं हूँ कि मैं किसी को अटेंड कर। अच्छा, आहिस्ता बोलो। मुझे सिर्फ अम्मी की परेशानी और इज्जत का ख्याल है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। उन्हें किस बात की परेशानी है? यही ना कि मैं एक ऐसे शख्स से शादी नहीं करना चाहती जो मुझे पसंद नहीं है, जिसके साथ कोई लड़की रह नहीं सकती, जिसका घर घर नहीं है, कैद खाना है जहाँ मैं कैद नहीं होना चाहती। अच्छा, मैं तुमसे यहाँ बहस करने नहीं आई। तो जाओ, जाकर मेहमानों के साथ बैठो, अपने नंबर बढ़ाओ, मुझे क्यों तंग कर रही हो? नान भाई का मूड बहुत ज्यादा खराब है, उन्होंने खाना भी नहीं खाया। सोचो अगर उन्हें कुछ भी भाई से कह दिया फिर? देखो, एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही है ना, अब क्यामत कल आए या आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे जान से मार देंगे तो मार दे मुझे। क्यों खुद को बर्बाद करने पर तुली हुई हो? तुम एक ही बात बार बार करके थकती नहीं हो क्या? तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? इसलिए क्योंकि पसंद की शादी करना कोई जुर्म नहीं है, ना ही कोई गुनाह। इसका हक मैं रखती हूँ जिसको मैं इस्तेमाल करूंगी, और अगर इस घर के लोग जिद्दी हैं ना, तो मैं भी इस मामले में कम नहीं हूँ। बैठो बेटा, खुद
कोताह के लिए यहाँ से खफा होकर मत जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती। मानिए आप क्या कर रही, प्लीज मत कीजिए। आपने उससे बात की, कुछ कहा उसने? मेरी बात हुई है निम्रा से। हाँ, ये बात जरूर है कि उसकी फोन पर बात हुई है, लेकिन वो उसकी दोस्त का कजन है। बस थोड़ी सी बेतकल्लुफी है और कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो बेटा। मैं उसे समझाऊंगी और वो समझ भी जाएगी, बल्कि वो तुमसे माफी मांगेगी। बस बेटा तुम जल्दबाजी मत करो, उसका किरदार बुरा नहीं है, वो दिल की साफ है। बस तुम भी अपना दिल साफ कर लो बेटा, वो उसे सिर्फ अपना दोस्त समझती है। हमारी लड़का और लड़की कैसे दोस्त? झूठ बोल रही है वो आपसे। वो आपको तो धोखा दे सकती है पर मुझे नहीं। लेकिन बेटा मैं फिर यही कहूंगी कि उससे मैं कोई फैसला मत करना, वरना मैं कहीं की नहीं रहूंगी। अगर इस बात की मेहनत साथ को पड़ गई ना, तो वो उसके टुकड़े कर देगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे बेटा। तुम तो समझते हो इन बातों को। मानी मैं सब समझता हूँ, इसलिए तो मैं अम्मी को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, ताकि मेरे किसी भी रवैये से उनको शक ना हो। आप प्लीज निम्रा से बात करें कि वो ऐसा मत करे। बेटा मैं वादा करती हूँ कि मैं उससे बात करूंगी, बल्कि मैं उसे तुम्हारे घर ले आऊंगी। तुम अकेले में उससे बात कर लेना, तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है मामा ने, आप उससे बात कीजिए, बेहतर यही है कि वो समझ जाए, वरना नुकसान हम सबका है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा आसरा, तुमने ऐसे आड़े वक्त में मेरा साथ दिया, वरना तो बीमारी बड़ी मुश्किल से गुजरती। तुम्हारा बड़ा ज़र्फ है कि तुमने अपनी ससुराल वालों से हमेशा बड़ा अच्छा रवैया रखा है। कैसी बातें कर रही हैं आप मेरी बहन हैं, मैंने आपको कभी भी नद नहीं समझा। ये तो अदनान है जो आपको ज़बरदस्ती ज़िद करके यहाँ से अभी ले जा रहा है, वरना मैंने तो प्लान कर लिया था तो एक महीना आपको यहाँ रखूँगी। अरे मेरा भी बड़ा दिल लगा हुआ था बच्चियों के साथ, दोनों नजर नहीं आ रही, कहाँ हैं? निम्रा कुछ काम कर रही है, कह रही थी मुझसे कि जब वो जाने लगे तो मुझे बुलवा लीजिएगा। अक्सा गई है बुलाने। अच्छा अच्छा। निम्रा चलो, क्यों सबके सामने अपना तमाशा बनवाना है? फूफो से नहीं मिलोगे तो क्या सोचेंगी? जब किसी को मेरी फिक्र नहीं है ना, तो मुझे भी किसी की फिक्र नहीं है। याद है अदनान की शिकायत के बाद अम्मी ने मेरे साथ क्या किया था? नहीं देखनी मुझे उसकी शक्ल। हो क्या गया, तुम इतनी सेल्फिश तो नहीं थी? इस घर के रवैयों ने मुझे ऐसा बना दिया। अच्छा ये बहस का वक्त नहीं है, चलो चलो। मम्मी चले, कब तक यहाँ पर खड़ी रहेंगी? अरे मेरी बच्ची को तो आने दो। लो वो आ गई। वो आप जा रही हैं? अरे हाँ बेटा, एक ना एक दिन तो मुझे अपने घर जाना था ना। पप्पो वो निम्रा कह रही थी आप कुछ दिन रुक जाती, निम्रा का दिल लग जाता ना आपके साथ। अल्लाह खुश रखे, आप बात रखे। अरे इसके बगैर मेरा दिल कहाँ लगेगा? तुम देखना, जल्द से जल्द मैं तुम्हें रुखसत करके अपने घर ले जाऊंगी। अरे तुम तो मेरे घर का चिराग हो। अल्लाह जल्द वो घड़ी दिखाए। आमीन। हम भी चलें, काफी देर भी होगी और मैं थक भी गया। अब हाँ हाँ चलो बेटा। अच्छा अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा जीती रहो। तक नाराज है, इतने दिनों गए आपने मुझसे बात नहीं की। जुर्म जितना बड़ा हो ना, सजा भी उतनी बड़ी ही मिलती है, और तुम्हारा जुर्म नाकाबिले माफी था। वो तो खानदान की इज्जत की खातिर
میں نے تمہاری بےغیرتی کا کڑوا گھونٹ پی لیا. دنیا میں اتنے لوگ پسند کی شادی کرتے ہیں تو کیا ہو گیا اگر دنیا میں بہت سے لوگ اور بہت کچھ بھی کرتے ہیں اور سر عام کرتے ہیں, کیا تم بھی وہی سب کچھ کرنے کی ضد کرو گی؟ وہ تو شکر کرو کہ بات آگے بڑھنے سے پہلے مجھے خبر ہو گئی, لیکن تمہاری وجہ سے جو عدنان کے دل میں پھانس چبھی ہے نا وہ ساری زندگی نہیں نکلے گی. امی مجھے عدنان کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, مجھے آپ کی فکر ہے, آپ مجھ سے بات نہیں کری, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. بیٹا میں کچھ دنوں کی مہمان ہوں, ساری زندگی تو تم نے عدنان کے ساتھ گزارنی ہے نا. میں جا رہی ہوں کلثوم آپا کی طرف, بہت دنوں سے ملی نہیں ان سے, اور خبردار جو گھر سے باہر قدم نکالا تم نے تو. اچھا امی وہ میرا سیل فون. بہت ہی ڈھیٹ اور بغیرت لڑکی ہو تم, جس کی وجہ سے اتنا کچھ ہوا اسی کی طرف دھیان ہے تمہارا ابھی بھی؟ بھول جاؤ اس شیطان کو, سمجھی؟ آج کتنے دنوں بعد دیکھ رہا ہوں تمہیں, مجھے تو لگا تھا کہ شاید اب تم گھر سے کبھی بھی نہ نکل پاؤ. امی گھر پہ نہیں تھی اور اکسا کالج سے آ کر سو گئی تھی تو میں آ گئی, لیکن میں نے اتنی بار تمہیں کال کی, فون کیوں نہیں اٹھایا؟ پتہ نہ اتنی مشکل سے کرتی ہوں. سوری آئی کین انڈرسٹینڈ, میں اپنے ایک دوست کے ساتھ تھا, اس طرح فوری نکلنا مشکل تھا, اور جب نکلنے لگا تو امی کی کال آ گئی, پھر کچھ ٹائم ان سے باتیں کرتا رہا. تو امی سے ہمارے مسئلے پہ بات ہوئی؟ ہاں لیکن کوئی خاص بات نہیں ہوئی, ایکچولی ان کی طبیعت کچھ خراب ہے, مجھے یاد کر کر کے اداس ہو گئی تھی, بلا رہی تھی مجھے. تو تم چلے جاؤ نا. جانا تو مجھے ویسے بھی ہے, لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ جلدی چلا جاؤں, اپنی اور تمہاری بات بھی تو کرنی ہے مجھے. ہاں اچھا ہے معاملہ سیٹل ہو جائے, میں بہت ٹینشن میں ہوں. ٹینشن کیوں لے رہی ہو تم؟ اس معاملے کی تو فکر ہی مت کرو, تم بس اپنے گھر والوں کو راضی کرو. میں کیا ان کو راضی کروں, امی مجھ سے بات نہیں کرتی ہیں, اور جب سے عدنان پھپھو کو لے کر گئے وہ بھی ہمارے گھر نہیں آئے, تو دعا کرتی ہوں وہ خود ہی منع کر دیں تاکہ مجھ سے کوئی کچھ نہ پوچھے. اس کا مطلب ہے کہ اب مجھے خود اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. نمرا اب میں تم سے الگ ہونا بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتا, تم مجھے عدنان کا نمبر دو, میں اس سے بات کرتا ہوں, سمجھاتا ہوں اسے. ارے وہ غصے کے بہت تیز ہیں, میں خود ان سے بات کر لوں گی. تو پھر اسے صاف صاف کہہ دو کہ تم اس سے شادی کے لیے بالکل تیار نہیں. نمرا مجھے ایک بات بتاؤ, جب تمہیں عدنان اتنا ناپسند تھا تو تم اسے رشتہ کیوں چھوڑا؟ نہ یہ انگیجمنٹ ہوتی اور نہ ہی یہ سب پرابلمز ہوتی. وہ بڑوں کا فیصلہ تھا, اس وقت مجھے سمجھ نہیں تھی نہ عقل تھی, اب مجھے سمجھ آ گئی ہے, جب دو لوگ اتنے ڈفرینٹ ہوتے ہیں تو وہ ساتھ میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. جب سے میں تم سے ملی ہوں تو مجھے اس بات کا زیادہ احساس ہوا ہے, اور اگر تم میری زندگی میں نہیں آتے تب بھی میں اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پاتی, مجھے تو تم جیسے ہی انسان خوش رکھ سکتا ہے. کیوں ایسا کیا ہے مجھ میں؟ مجھے چاہتے ہو, اپنانا چاہتے ہو, میری پسند ناپسند کا احترام کرتے ہو, اپنے گھر والوں کو منانے کے لیے راضی ہو, اگر وہ نہ بھی مانے تب بھی اپنا وعدہ نبھانے کو تیار ہو, ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی, بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ نمرا اب میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. مجھے عدنان کے گھر سے بہت وحشت ہوتی ہے, میں چاہتی ہوں کہ ایک ہمارا پیارا سا گھر ہو جہاں ہم اپنی مرضی سے جاگے سوئیں, خوش رہیں, کوئی ہمیں ٹوکنے والا نہیں. ایسا ہی ہوگا, بالکل ایسا ہی ہوگا, میں تمہارے تمام خوابوں کو پورا کروں گا, لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں گے. چلو یہ رکھو. مجھے یہ نہیں چاہیے, اسی کی وجہ سے ساری مصیبتیں آئی ہیں. ارے رکھو یار, ضروری ہے, اور خوش یار. جب ہم چند مہینوں میں شادی کر رہے ہیں تو ایک ہفتے بعد نکاح کیوں؟ ذرا کھل کے بات کرو, جب تم کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہو, کہیں ایسا تو نہیں کہ اکیلا نے گھر میں کوئی فساد مچایا ہو؟ نہیں نہیں آپا, گھر میں تو چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں, بس میں اپنی اور آپ کی صحت کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. السلام علیکم امی. السلام علیکم مامانی, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں بیٹا. بیٹا وہ تمہاری ممانی بڑی عجیب بات کر رہی ہیں. کیا ہوا, سب خیریت؟ کہہ رہی ہیں کہ
एक हफ्ते में निकाह कर दो। अच्छा तुम क्या कहते हो? मैं अभी तो ऑफिस से आया हूँ, कपड़े चेंज कर लो तो फिर बात करते। मैं अदनान के लिए चाय बना देती हूँ। नहीं तुम बैठो, मैं बना के लाती हूँ, बाकी बात बाद में होगी। जल्दी क्यों कर रही? मैं चाहती हूँ बेटा कि खैरियत के साथ तुम्हारी अमानत तुम तक पहुंचा दूं। मैं अब बहुत कमजोर हो गई हूँ बेटा, अब मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाता, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी बात का भरम रखोगे और मुझे यहाँ से मायूस नहीं लौटाओगे। क्या फिर कुछ किया निमरा ने? नहीं नहीं उसने कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने और अक्सा ने तो उसे बहुत समझाया है और वो समझ भी गई है। मैंने उससे ये कहा है कि हर चमकती हुई चीज सोना होती है, लेकिन हकीकत में वो कुछ और ही होती है, और मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात समझ भी गई होगी। बस मैं इसीलिए जल्दी निकाह करना चाह रही हूँ कि इसी में हम सबकी भलाई है। ठीक कह रही हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुमरा मुझे छोड़कर अब किसी और से शादी करे। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बेटा वो थोड़ी कम अकल है, अपने दोस्तों के कहने में आ गई थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो तुमसे माफी मांग लेगी। हमारे ये माफी तलाफी की कोई जरूरत नहीं, अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि हमने पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी उसको, और मेरी माँ अपनी भतीजी की मोहब्बत में धोखा खा गई। आ गई हैं। पप्पो के घर क्यों गई थी वो? किसी ज़रूरी काम से गई होंगी। क्या ज़रूरी काम है, तुमसे पूछ रही हूँ ना। निमरा जाकर उनसे खुद पूछ लो, और अगर उन्हें मुनासिब लगा तो खुद बता देंगी। मतलब मेरी बात करने गई थी? शादी की डेट फिक्स कर ली है ना मेरी? हो सकता है ऐसे ही हो। मेरे साफ इनकार करने के बावजूद मेरी डेट फिक्स कर ली? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उनसे बात करनी होगी। निमरा इस वक्त भाई उनके पास बैठे, और मेरा ख्याल है मामला साफ हो जाएगा, गला दबा देंगे वो तुम्हारा। भाभी को पहले शक हो रहा है तुम्हारे रम्मी के रवैये की वजह से। शक है तो होने दो, मुझे उनसे बात करनी है। मम्मी क्या कर रही हैं आप मेरे साथ? मैंने आपसे कहा है ना मुझे नहीं शादी करनी उससे। अपनी आवाज नीची करो, मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे मुस्तकबिल के फैसले करने का हक रखती हूँ। मम्मी मुझे अदनान से शादी नहीं करनी है। तुमसे तुम्हारी राय किसने पूछी है? कितनी खुदगर्ज़ हो तुम, ना तुम्हें अपने भाई की इज्जत का ख्याल है और ना ही अपनी माँ की बेवकूफी का लिहाज। अब मैं तुम्हें अपनी मनमानी की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी, समझ गई तुम? रब्बावे 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 हो कैसा लिखा रे नसीबा रब्बावे। अम्मी निम्रा आपको बताकर गई है? क्या कहाँ गई है वो? मैं किचन में थी, कहीं जा रही थी, मैंने पूछा कहाँ जा रही हूँ, उसने कहा कॉलेज जा रही हूँ किसी काम से, और अम्मी को बताकर जा रही हूँ। दिमाग खराब तो नहीं हो गया उसका? और तुमने उसे जाने क्यों दिया? इतना कुछ होने के बावजूद क्या मैं उसको घर से बाहर निकलने की इजाज़त दे सकती हूँ? नहीं मैं कैसे रोक सकती थी, अकेला भाभी वहीं पर थी, इसी बात का फायदा उठाया उसने। या अल्लाह अब ये लड़की क्या करेगी, कहीं हमारे मुँह पे काला की ना मल दे। मेरा ख्याल है कि मुझे साद को सब कुछ बता देना चाहिए। अम्मी प्लीज आप फिक्र ना करें, हो सकता है वापस आ जाए, बाकी उसे कोई काम हो कॉलेज में। अगर नहीं आई तो साद भाई को बता देंगे, आप उनके गुस्से को तो जानती हैं। हर शरीफ इंसान अपनी इज्जत से डरता है, अगर मुझे जमाने का ख्याल नहीं होता ना तो मैं उसका गला दबा देती।
देखिए आसिम साहब, मैंने आपको फाइल्स भिजवा दी थी, आप प्लीज़ अपने डेस्क पर चेक कीजिए। अब मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। जी हैरत, उमानी जान ने तुम्हें अभी इतनी इजाज़त दी है कि तुम कहीं भी चली जाओ। मैं आपसे आज साफ साफ बात करने आई हूँ। दाद देता हूँ तुम्हारी हिम्मत की। बोलो। अम्मी हमारे निकाह की बात कर रही हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं आपसे निकाह करूं। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो कहानी।